आज मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, आप उस बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे आम बहुत पसंद है, मैं आम बहुत पसंद करती हूँ, और जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं नेक्स्ट सीज़न का वेट करती हूँ। पर किसी किसी को आम पसंद होते हैं पर उनका हाजमा सही नहीं होता, वो आम को हजम नहीं कर पाते और उनके साइड इफ़ेक्ट उनको नज़र आने लग जाते हैं जैसे आम खाते हैं तो। ठीक है, तो अगर मुझको आम का स्वाद लेना है, मैं मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं आम खा भी सकूं, एंजॉय भी कर सकूं और उसके साइड इफ़ेक्ट भी ना हो मुझे। ठीक है, मेरा कलर भी देखो येलो है आम जैसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ का स्वाद उठाने के लिए। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक हर किसी के बस की बात नहीं है बनाना। ये अगर आप बेवकूफ़ी समझते हो टिकटॉक बनाना, बेवकूफ़ी करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो टिकटॉकर्स में बहुत सारे लोग बड़े एजुकेटेड और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाले भी हैं और कुछ बेवकूफ़ाना वीडियोस भी बनाते हैं, पर हम सब टिकटॉकर्स को एक जैसा नहीं समझ सकते। तो अगर आपको टिकटॉक बनाना नहीं आता, आपको लगता है कि ये तो हमारी गली मोहल्ले में ही रहने वाली है और इतनी अच्छी बातें कर रही है, इसने हमसे तो कभी बात नहीं की खड़े होके जितनी ये टिकटॉक पे बात कर रही है, तो ये ना बेकार है, तो ये आपकी अपनी आपकी मेंटेलिटी है कि आप किसी की टैलेंट की तारीफ नहीं करना चाह रहे, और नहीं करना चाह रहे वो भी ठीक बात है। ठीक है, आप तारीफ नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर आप उसके फेसबुक में इंस्टा पे आके अगर बोलते हो ओहो अब तुम्हारा क्या होगा, टिकटॉक चला गया, अरे क्या होगा, सोशल मीडिया कोई छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी है। जिसका टैलेंट होता है वो टैलेंट अपना रास्ता खोज लेता है, तो आप उस चीज़ की चिंता मत करो क्योंकि आपका चेहरा बुरा लग रहा है और मुझे नहीं अच्छा लगेगा आपका चेहरा इतना बुरा दिखे। तो आप भी टिकटॉक को एंजॉय कर रहे थे पर लाइक नहीं कर रहे थे और पर आपका टाइम पास बहुत अच्छा हो रहा था। इस लॉकडाउन में हमने इस टिकटॉक की वजह से काफ़ी समय निकाला, तो हमें इन चीज़ों को थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है या जो भी हो रहा है, कोई भी इश्यू है, इसकी वजह से टिकटॉक बंद हुआ है तो हमने बंद किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी उनके साथ डील बंद हो गई है तो कभी शुरू नहीं होगी, और शुरू होगी तो हम एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे। अगर पड़ोसियों के बीच में लड़ाई होती है तो पड़ोसियों के बीच में फिर दोबारा बातें भी होती हैं, बिजनेस भी होता है, लेन देन में शुरू होता है, तो उस चीज़ को हम सोचे कि नहीं नहीं अब लड़ाई होगी, अब तो हम इनकी सारी चीज़ों को बिल्कुल टेढ़ी आँख से देखेंगे, तो ये तरीका ठीक नहीं होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे देश के लोग थे जो बिजनेस करते थे, चाइना के साथ उनका बहुत डील था और उनके घर चलते थे, परिवार चलते थे, हमारा देश चलता था इस बिजनेस से और चाइना का भी बिजनेस चलता था। उसके बाद अगर लड़ाई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको गालियां देने लग गए, उनके सामान को, उनकी चीज़ों को गालियां देने लग गए। ठीक है, हमें लड़ाई हो गई है, अब हमें पीछे हो जाना है, हमें कोई भी उसके ना अच्छी बात करनी ना बुरी बात करनी, हमारा देश पहले है, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टिकटॉक तो छोटी सी चीज़ है, हमें मौका मिला है अपने देश के लिए कुछ करने का और हम उसका साथ जरूर देंगे, पर आपको अगर मौका मिला है टांग खींचने का तो आप टांग ही खींचोगे, तो ये आपका टैलेंट है, आप अपना टैलेंट कीजिए, हम अपना टैलेंट करेंगे। आप ऐसे अच्छे दिख रहे हैं, हम ऐसे अच्छे दिख रहे हैं, अब रास्ता हमने चूज करना है हमें कैसे दिखना है। ठीक है जी, थैंक यू। समझदारों को तो समझ आ गया होगा, पर जो ना समझे वो अनाड़ी है।